राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए हफ्ते में 6 दिन खोलने का फैसला किया गया है। 1 जून से दर्शक राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। ये सिर्फ सोमवार और सरकारी छुट्टी वाले दिन आम लोगों के लिए बंद रहेगा। अभी ये सुविधा हफ्ते में 5 दिन ही उपलब्ध है। राष्ट्रपति भवन के लिए विजिटिंग आवर्स 9:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। इस दौरान 7 टाइम स्लॉट में बुकिंग करा सकेंगे। राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम कॉम्प्लेक्स भी मंगलवार से रविवार तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा। हर शनिवार राष्ट्रपति भवन प्रांगण में होने वाले चेंज ऑफ गार्ड समारोह का लुत्फ भी उठा पाएंगे और साथ में इस समारोह का समय हर शनिवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच होगा। हालांकि अभी भी दर्शक राष्ट्रपति भवन में उन्हीं जगहों का दौरा कर सकेंगे जो पहले भी दर्शकों के लिए खुले हुए थे। राष्ट्रपति भवन के अधिकारी ने बताया कि यहाँ घूमने के लिए दर्शकों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। राष्ट्रपति भवन में अलग अलग सर्किट में लोगों को घूमने की सुविधा मिलेगी। जहाँ सर्किट 1 में इसमें राष्ट्रपति भवन की मेन बिल्डिंग और सेंट्रल लॉन आता है जिसमें अशोक हॉल, दरबार हॉल और बैंकेट हॉल और ड्राइंग रूम्स भी शामिल है। सर्किट 2 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम हॉल और कॉम्प्लेक्स आता है और सर्किट 3 की बात की जाए तो राष्ट्रपति भवन के मशहूर अमृत उद्यान, पहले जिसे जो है मुगल गार्डन भी कहा जाता था, हर्बल गार्डन और म्यूजिकल गार्डन और स्पिरिचुअल गार्डन आते हैं। 330 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति भवन का आर्किटेक्चर एडविन ल्यूटेंस के भारतीय और पश्चिमी दोनों शैली में किया गया है।